स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.8 फ्रॉम पेज नंबर 26 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है ठीक है तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयन एंड ऑक्सीजन आर सिक्सटी एंड थर्टी पॉइंट ठीक है आपके पास एक ऑक्साइड ऑफ आयन गिवन है आपसे बोला गया कि अपने मोलिकुलर फॉर्मूला जो है इस ऑक्साइड का फाइंड आउट करना है जिसमें आयरन जो है वो सिक्सटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट बाई मास प्रेजेंट है और ऑक्सीजन थर्टी पॉइंट वन परसेंट बाई मास प्रेजेंट है राइट right? तो हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए मोलर मास का होना बहुत ज़रूरी है लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो इनसफिशिएंट है आपको एक जो चीज़ याद रखनी है दैट इज़ कि हमारे पास जो ऑक्साइड ऑफ आयरन आता है ठीक है उस केस में एम्पेरिकल फार्मूला मास और जो हमारे पास मोलर मास आता है वो सेम होता है सो so आप लिख सकते हो कि इस केस में जो भी आप इम्पेरिकल फॉर्मूला मास फाइंड आउट करोगे ठीक है वो किसके इक्वल होगा वो मोलर मास के इक्वल होगा सो यू कैन राइट इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयन इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयन राइट सो मॉलिकुलर फॉर्मूला हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं पहले हम ये फॉर्मूला देख लेते हैं सो मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इंटू टू फॉर्मूला अब हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है फर्स्ट एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है देन इंपेरिकल फॉर्मूला की अब यहां पे एन क्या है एन एक ऐसा नंबर है जिसके साथ जब आप इंपेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा राइट right? तो फर्स्ट टारगेट है हमारा कि हमने इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है सो कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला ठीक है इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे अब हमारे पास ये जो टेबल है ठीक है इसमें अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं जैसे जैसे जिस जिस कॉलम में जो जो चीज पूछी गई है हम उसी के अकॉर्डिंगली एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन का कॉलम बना है ठीक है आइन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितनी है सिक्सटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट बाई मास है अगर मैं ये कंपाउंड 100 ग्राम का मतलब ऑक्साइड ये मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे पास 100 ग्राम का ऑक्साइड है ठीक है तो इसमें ऑटोमेटिकली आयन कितना हो जाएगा 69.9 ग्राम राइट और ऑक्सीजन ऑब्वियसली 30.1 परसेंट प्रेजेंट है तो 100 ग्राम के कंपाउंड में ऑक्सीजन कितनी आएगी 30.1 ग्राम नेक्स्ट कॉलम में हमने अटोमिक मास फाइंड आउट करना है फर्स्ट आयन का अटोमिक मास फिफ्टी सिक्स ग्राम पर मूल होता है राइट right? ऑक्सीजन का सिक्सटीन ग्राम पर मूल होता है नेक्स्ट टारगेट है हमारा हमने मोल्स ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं मतलब आयन के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन के कितने मोल्स प्रेजेंट है इस रिस्पेक्टिव परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हमने ये फाइंड आउट करना है सो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को हम एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जिसके भी आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं जैसे सपोज मैं आयन के कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी एन सब्सक्रिप्ट एफ ई ठीक है एक्चुअल मास ऑफ आयन ऑफ आयन ठीक है ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आता है तो हमारे पास एक्चुअल मास ऑफ आयन कितना प्रेजेंट है दैट इज सिक्सटी नाइन पॉइंट नाइन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ आयन इट इज फिफ्टी सिक्स ग्राम पर मोल ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया 69.9 डिवाइडेड बाय 56 योर आंसर इज 1.25 अब यहां पे डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है जब आप न्यूमरेटर में जा लेके जाओगे इसको तो ये मोल हो जाएगा राइट नेक्स्ट है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मोल्स 30.1 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 ग्राम पर मोल ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया थर्टीन पॉइंट वन डिवाइडेड बाई सिक्सटीन योर आंसर इज वन पॉइंट एट एट मोल अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा हमने अटोमिक रेशो फाइंड आउट करनी है मतलब एक कंपाउंड में एक पर्टिकुलर जो हमारे पास एलिमेंट uh, आ रही है वो कितने अटोमिक रेशो में आ रही है हमने ये फाइंड आउट करना है तो अटोमिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जिस एलिमेंट के सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स आते हैं उन सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स को सारी की सारी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स के साथ डिवाइड कर देते हैं तो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स आयन के हैं सो so, मैं क्या करूंगी मैं आयन को भी इसी के नंबर ऑफ मोल्स के साथ डिवाइड कर दूंगी और ऑक्सीजन को भी मैं 1.25 के साथ डिवाइड कर दूंगी राइट right? अब मोल के साथ मोल कैंसिल हो गया ये मोल के साथ ये मोल कैंसिल हो गया ठीक है वन पॉइंट टू फाइव को हम इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं तो हमारे पास जो अटोमिक रेशो आ रही है आयरन की वो वन आ रही है ठीक है और वन पॉइंट एट एट डिवाइडेड बाय वन पॉइंट टू फाइव योर आंसर इज वन पॉइंट अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो डेसिमल में आ रही है हमने इस ऑक्सीजन को एज वेल एज आयन को मतलब इस पूरे कंपाउंड को ही हमें एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि मेरे पास आंसर जो है वो सिंपल होल नंबर रेशो में आए राइट right? सो so, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को टू के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ वन इंटू टू इक्वल टू टू बन गया वन पॉइंट फाइव इंटू टू ये थ्री बन गया अब हमारे पास जो आंसर है वो सिंपल होल्ड नंबर में है राइट right? तो ये जो हमारे पास सिंपल होल्ड नंबर आए हैं ठीक है आयन के और ऑक्सीजन के हम इनके रिस्पेक्टिव जो हमारे पास टॉम्बिक uh, फॉर्मूला आता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सो so, आप लिख सकते हो इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू नाउ आयन एफ ई के साथ रिप्रेजेंट होता है ठीक है एफ ई के हमारे पास नंबर होल नंबर रेशो कितनी आई है टू आई है सो इन टू हो जाएगा ऑक्सीजन ओ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी सिंपल होल नंबर रेशो थ्री आई है तो इन थ्री हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास एफ ई टू ओ थ्री आ गया राइट अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा कि हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है एन इक्वल टू मोलर मास ओवर एंपेरिकल फॉर्मूला मास राइट सो फर्स्ट टारगेट है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास फाइंड आउट करना इंपेरिकल फार्मूला मास के लिए हम क्या करेंगे जो भी इंपेरिकल फार्मूला आया है और उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है उनके अटोमिक मासस एड कर देंगे सो इंपेरिकल फॉर्मूला मास Equal to, now Fe इसका 56 ग्राम पर मोल होता है अटॉमिक मास इनटू टू हो जाएगा क्योंकि दो एटम प्रेजेंट है प्लस ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल आता है तीन एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट है तो इनटू थ्री हो जाएगा so 56 इनटू टू 112 ग्राम पर मोल आ गया प्लस 16 इनटू थ्री 48 ग्राम पर मोल आ गया वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व प्लस फोर्टी एट वन सिक्सटी ग्राम पर मोल बन गया अब हमने ऊपर ही बात की है कि जो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आएगा मोलर मास जो है इन केस ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयन उसके इक्वल होगा सो यू कैन राइट एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू मोलर मास इक्वल टू वन सिक्सटी ग्राम पर मोल एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सो एन इक्वल टू वन सिक्सटी ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय सिक्सटी ग्राम पर मोल आ गया ये कैंसिल हो जाएगा सो so, एन की वैल्यू कितनी आ गई एन इक्वल टू वन आ गया राइट right? अब ये जो हमारे पास एन की वैल्यू भी आ गई है एम्पेरिकल फार्मूला भी आ गया अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं सो मॉलिक्यूलर फार्मूले का हमने फॉर्मूला क्या किया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इन टू एंपेरिकल फॉर्मूला सो एन की वैल्यू हमारे पास वन है एम्पेरिकल फॉर्मूला एफ ई टू ओ थ्री है तो ऑब्वियसली वन वन को अगर आप किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो श्योरली हमारे पास वही फॉर्मूला आ जाएगा सो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या आ गया एफ ई टू ओ थ्री दैट इज योर फाइनल फार्मूला